डाले डाली डाली हमारे जितने भी संथाली भाई बहन सो गए, उनको पता ही है लेटो कैसे बनता है। तो मिक्स करना होगा। मिक्स कीजिए। तो फ्रेंड हम लोग फाइनली देख सकते हैं लेटो बन चुका है, तो हम लोग यहाँ पे लेटो ऐसे बनता देख सकते हैं। देखिए छाटन सभी बीच बीच में देखिए। तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड आप सब कैसे हो, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और रजनी एंड डेंजर पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड अभी हम मतलब घर पे लाइट नहीं है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि अभी जस्ट खाना बनाने हम लोग जा रहे थे। तो जैसे कि आप लोग रजनी एंड डेंजर में, जैसे कि आज हम गुड्डू सरन लाइव आए थे, तो उसमें सब लोग बोल रहे थे कि रजनी तुम ब्लॉग बनाओ, है ना, मतलब रेसिपी का ब्लॉग बनाओ। तो आज हम कौन सा रेसिपी का ब्लॉग बना रहे हैं आप लोगों को दिखाएंगे। तो देख सकते हो दो प्याज ले लिए हैं, देख सकते हो दो प्याज है। हमारा डेचकी चढ़ा हुआ है, डेचकी गर्म हो चुका है। तो आज हमारा देसी स्टाइल से, यानी कि मतलब हम लोग को कुछ भी संथाली लोगों को कुछ भी सब पर्व वर्व होने से लेटो बनता है। तो आज हम लोग बनाएंगे लेटो मांडी, यानी कि लेटो मांडी आदिवासी में बोलते हैं, संथाली में भी बोलते हैं लेटो। तो आज हम लोग बनाएंगे लेटो, यानी कि छाटन वाली लेटो बनाएंगे। तो आप लोग पूरा देखना और बहुत टेस्टी बहुत यमी बनाएंगे। आप लोग जिस तरह बोल रहे थे, तो क्या क्या लगता है हम आपको ब्लॉग में पूरा दिखाएंगे आज, और कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहें। देख सकते हो मैं एक आधा एक गोटा प्याज काट ली हूँ, और ये देख सकते हो हमारा छाटन, और छाटन रेडी हो गया। और इधर बाबू गेम खेल रहा है, हमारा बच्चा गेम खेल रहा है। तो अभी इसमें हम डेचकी चढ़ाए। मेन बात क्या हुआ, हम लोग का सरसों तेल नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा। तो सरसों तेल आने दीजिए, फिर पूरा ब्लॉग दिखाते हैं। तो चलिए टमाटर वमाटर सामने ला के रखते हैं कि बनाने टाइम तकलीफ ना ही हो। देख सकते हो अभी हम लोग तेल डाल रहे हैं, सरसों तेल जो अभी नहीं था खैर दुकान से लेकर हो गया तरीके से। प्याज का दो तेज पत्ता और खड़े मसाला कहाँ। तो गाइस देख सकते हो गरम मसाला पड़ रही है, खड़े मसाला। हमको गरम मसाला बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए क्योंकि मुंह में आता ना अच्छा नहीं लगता। गरम मसाला प्याज लाल हो गया है। तो गाइस तो देख सकते हो अभी दाल और चावल को मिक्स करके इसको धो के 5 मिनट रखेंगे, तब तक हम लोग का छाटन भुर जाते रहेगा सब्जी जैसा। जाइए कौन छाटन भुजा गया है। तो अभी हम लोग चावल डालते, चावल और दाल। हम कहे इसको 10 मिनट तक भूजने दीजिए, 10 मिनट तक भूंजाएगा उसके बाद मसाला उसमें डलाएगा। क्या 10 मिनट या नहीं तो 5 मिनट। अरे क्या हम लोग आदिवासी वाला रेसिपी है क्या? हाँ हम लोग का आदिवासी वाला रेसिपी बन रहा है। ओहो देख सकते हो बहुत देरी के बाद, भुंजाने के बाद अभी डल रहा है मसाला। और मसाला सब डालिए। बटर डालना है ना? ठीक है डालना है इसमें, बताइए सब। दो चिकन मसाला और मस्टर्ड मसाला भी है। नहीं मस, हाँ मास्टर मसाला भी डालते चले। मास्टर मसाला पहले टेस्टी था, लग खाने में लगता था। ये आलू का सब्जी बनाने से टेस्टी लगता लो। तभी डल रहे हैं।
हो गया बस। और उसके बाद हल्दी पाउडर रख दो, ठीक है। उसके बाद लाल मिर्च ना, मिर्चा पाउडर, हम लोग तीखा ज्यादा खाते हैं। बस 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 चला गया। हाँ बस हो गया सब, चला गया। इनको छुट्टी होगी? नहीं। इतना टेस्टी दिख रहा है फ्रेंड, आप सब भी खा लो। फिर कितने मिनट फ्राई करना है? 10 मिनट, उसके बाद पानी डाल देना करना। सिमात्र 10 मिनट या 5 मिनट तक भुंजा जाएगा। ऐसे कुछ ऐड टमाटर वगैरह? हाँ टमाटर लास्ट में डाल देना। एकदम काफी है पति देव, पति देव बना रहे आज हमारे। फाइनली हमारा घर में लाइट आ चुका है तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अंधेरा अंधेरा ब्लॉग दिखाने अच्छा नहीं लग रहा था, तो आपके आप उजाला उजाला दिखाएंगे। जैसे कि आप लोग लास्ट ब्लॉग देखे कि पूरा भूंजा उंजा गया, सिर्फ पानी डालना था, तो हस्बैंड जी पानी अभी जस्ट डाले हैं, जस्ट बहुत भी हो गया, बहुत देख सकते हो जस्ट डाले, इतना टेस्टी की नहीं अम्मी दिख रहा। आप लोग भी आ जाओ फ्रेंड खाने के लिए, देख सकते हो मोबाइल तो गिरेगा ना भात में से फाक करेगा। तो फ्रेंड बनने देते हैं और टेस्टी टेस्टी बहुत अच्छा महक रहा, मेरे को तो अच्छा महक रहा। काश आप लोग भी होते तो आप लोगों को भी मैं जरूर खिलाती। और आप लोग जितने को रिक्वेस्ट किए कि रजनी डेंजर में आप लोग कुकिंग का ब्लॉग डालो, तो आप डेली कुकिंग का ब्लॉग डेली शाम तक में, या शाम तक क्या, दो बजते बजते कुकिंग वाला ब्लॉग डेली आएगा दोपहर का, तो आप लोग जरूर देखिएगा हमारा कुकिंग ब्लॉग। और ये है जो हमारे संथाली घर में ऑलरेडी कुछ भी पर्व त्योहार हो, कुछ भी शादी हो, ब्याह हो, ब्याह शादी हो और कुछ भी हो, तो लेटो मांडी जरूर बनता है। बोलते हैं काहे बनता है जी, आप बताइए तो काहे बनता है, क्यों बनता है? अरे तो परंपरा है, बनता है तो परंपरा है, मतलब कुछ भी मकर पर्व कुछ भी पर्व आता है तो ये बनना बहुत जरूर। और एक रेसिपी आप लोगों को दिखाएंगे अभी नहीं कुछ दिन बाद, जिल पिठा ना, जिल पिठा, जो जिल पिठा का ब्लॉग नहीं आया अभी तक जी, हम लोग जिल पिठा कैसे पत्ता में बनाया जाता है मीट के साथ, इतना टेस्टी बहुत ही अम्मी लगता है। जो पत्ता का क्या पत्ता करता है, सरगन क्या, सरगन सरजोम, सरजोम पत्ता, तो सरजोम बोलते हैं, और किससे बोलते हैं तो आदिवासी में सरजोम पत्ता बोलते हैं, तो उसका भी हम ब्लॉग बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो अभी चलिए ये बनते रहे, बन जाएगा फिर आप लोगों को दिखाएंगे खा पी के टेस्ट करके कैसा बना हमारा रेसिपी, और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा हमारा रेसिपी ब्लॉग। तो चलिए कंटिन्यू आप लोग जुड़े रहे और ऐसे हमारे ब्लॉग को देखते रहे आप सब। टंगड़ी अब बहुत टेस्टी दिख रहा है, ये आप लोग भी खाइए। हो गया, फाइनली हो चुका है क्या? फाइनली हो चुका है, ये हमारा लास्ट ब्लॉग है तो last? हो चुका, मतलब कि बनने का लास्ट, हाँ बनने का लास्ट अंतिम हो चुका है, बन चुका है बस। और आप सबको मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वीडियो हमारा रेसिपी अच्छा लगा तो ढेर सारा लाइक देना और प्यार देना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आगे आप लोगों को ऐसे ही अच्छा अच्छा ब्लॉग मैं लाते रहूंगी और ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्टेंट भी लाते रहूंगी, तो आप लोग ढेर सारा प्यार देना रजनी एंड डेंजर पे। तो फ्रेंड बाय, ते हो हमारा लेटो ना टेस्टी और यम्मी दिख रहा है, और बाबू छोटा प्लेट में है, और किसके लिए, बाबा के लिए, बाबू बाबा के लिए, देखिए तने तो सो गई है, देखिए हम तीनों जन का है, देख लीजिए इतना टेस्टी और यम्मी। और चलिए आप लोगों को कैसा लगा हमारा रेसिपी तो बताइए कमेंट करके, खा के थोड़ा दिखा दे रहे हैं कैसा बना है, मैं एक बार भी चखी नहीं हूँ तो इसीलिए बहुत टेस्ट बहुत यम्मी बना है। तो चलिए फ्रेंड मैं खा लेती हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और खा लेती हूँ फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।